नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं टिकी टेक सचिन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको BSNL के ब्रॉडबैंड के प्लान्स वर्सेस मैकवन ब्रॉडबैंड के प्लान्स को कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। दोस्तों, इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है, सबसे अच्छे प्लान्स कौन प्रोवाइड करता है, यही आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को आप भी लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हैं और जानते हैं इन दोनों के प्लान्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने ओपन करके रख दी है, और एक साइड जो कि मैकवन ब्रॉडबैंड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ओपन करके रख दिया है। दोस्तों, यहाँ पे BSNL में आपको सिटी वाइज जो कि प्लान्स नहीं मिलेंगे, स्टेट वाइज प्लान मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने महाराष्ट्र जो कि सिलेक्ट कर दिया है, और मैकवन में आपको सिटी वाइज जो कि प्लान्स मिलेंगे। तो महाराष्ट्र में जो मेन सिटी आती है वो मुंबई आती है, और मुंबई के प्लान जो कि मैं कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैकवन में आपको 10 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps और 100 Mbps, ये सिर्फ चार ही प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन BSNL में आपको बहुत सारे प्लान्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 30 Mbps से लेके कम से कम 300 Mbps का स्पीड आपको मिलने वाला है। तो सिंपली सबसे पहले 10 Mbps के प्लान की अगर हम कंपैरिजन करेंगे BSNL के साथ, तो आपको यहाँ पे BSNL में 10 Mbps का स्पीड आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके प्लान्स जो कि स्टार्ट होते हैं 30 Mbps से। यहाँ पे देखिए, मुझे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 10 Mbps का प्लान जो कि नहीं दिख रहा है, तो मुझे डायरेक्ट 30 Mbps का प्लान दिख रहा है। तो 30 Mbps का प्लान मैं आपके सामने जो कि कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। फर्स्ट देखिए, 30 Mbps का प्लान जो कि आपको BSNL में 449 रुपये पर मंथ पे करना पड़ता है, यानी कि 30 Mbps प्लान में आपको 3300 जो कि डाटा मिलने वाला है, और जब 3300 डाटा आपका ख़त्म होगा, उसके बाद आपको 2 Mbps का स्पीड BSNL में मिलने वाला है। दोस्तों, कॉलिंग भी आपको यहाँ पे एक सुविधा जो कि मिलने वाली है। लेकिन अगर हम मैकवन की बात करेंगे, मैकवन में आपको 30 Mbps का प्लान जो कि मंथली, यहाँ पे मुंबई में मंथली प्लान अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट आप 3 मंथ के लिए 1199 का ले सकते हैं। आपको 3 मंथ के लिए 1199 रुपये जो कि पे करना पड़ता है, 30 Mbps का स्पीड जो कि मैकवन में टोटली अनलिमिटेड मिलता है, आप जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का। लेकिन BSNL में आपको यहाँ पे देखिए एक लिमिट मिलता है जो कि 3300 GB तक इस्तेमाल करने का। जैसे ही आपका ये 3300 GB खत्म होता है, तो उसके बाद आपको 2 Mbps का स्पीड मिलने लगता है। लेकिन दोस्तों, BSNL में आपको देखिए यहाँ पे कॉलिंग की सुविधा जो कि बहुत ही अच्छी तरह से मिलने वाली है, तो इसमें आप कॉलिंग की जो कि सुविधा फ्री में उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 30 Mbps का। उसके बाद बात करते हैं 50 Mbps का, 50 Mbps के प्लान के बारे में। दोस्तों, 50 Mbps का प्लान जो कि BSNL में 499 रुपये जो कि मंथली रेंटल पर मिलता है, इसमें आपको पर मंथ जो कि 100 GB का डाटा मिलता है। जैसे आपका 1 मंथ पे 100 GB डाटा ख़त्म होगा, उसके बाद आपको 2 Mbps का प्लान यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि BSNL में आपको एक लिमिट दी गई है, आप इतना Mbps ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उतना MB आपका क्रॉस होगा, यानी कि यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको स्पीड जो कि 2 Mbps का मिलने वाला है। लेकिन इसमें जो कि पॉजिटिव पॉइंट है वो है कॉलिंग का। दोस्तों, कॉलिंग आपको यहाँ पे टोटली फ्री मिलने वाला है जो कि BSNL में। लेकिन मैकवन में आपको कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनेट टोटली अनलिमिटेड मिलने वाला है। 1 मंथ के लिए यहाँ पे भी आपको 499 रुपये पे करना पड़ता है, जैसे कि BSNL में भी सिर्फ उतना ही पे करना पड़ता है। लेकिन BSNL में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, वहाँ पे आप अनलिमिटेड उतना ही स्पीड आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैकवन में ट्रूली टोटली अनलिमिटेड आप 50 Mbps का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन BSNL में जो पॉजिटिव पॉइंट है, वहाँ पे आपको कॉलिंग लोकल और स्टडी टोटली अनलिमिटेड मिलेंगे। लेकिन मैकवन में नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको कॉलिंग की सुविधा यहाँ पे नहीं है। आखिरी प्लान जो कि मैकवन में आता है वो आता है 100 Mbps का। दोस्तों, 100 Mbps का अगर हम BSNL में प्लान देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 555 रुपये, यानी कि 555 रुपये आपको BSNL में पे करना पड़ता है, तब जाकर आपको 100 Mbps का स्पीड मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट जो दी गई है वो 100 GB की दी गई है।
यानी कि 100 GB तक आपको 100 Mbps का स्पीड मिलेगा। जैसे ही 100 GB खत्म होगा तो आपका स्पीड जो कि 2 Mbps से स्टार्ट होगा। यानी कि आपको यहाँ पे BSNL में लिमिट देखने को मिलता है, लेकिन MacOne में आपको कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे भी प्लान जो कि 599 रुपी का ही है, लेकिन स्पीड जो कि 100 Mbps का टोटली अनलिमिटेड मिलने वाला है। आप जितना चाहे उतना डाउनलोड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड, यहाँ पे कोई लिमिट आपको नहीं है। यही पॉजिटिव पॉइंट जो कि MacOne में मिलता है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ BSNL यानी कि BSNL की पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड BSNL नेटवर्क पर कॉलिंग मिलने वाली है और नाइट फ्री कॉलिंग। नाइट को आप 10:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप टोटली नाइट कॉलिंग फ्री कर सकते हैं, और संडे को अनलिमिटेड कॉलिंग जो कि इस प्लान में मिलने वाला है। और MacOne में निगेटिव पॉइंट क्या है कि उसमें आपको कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यह था कंपैरिजन। आपको इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी नाम हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि उसके बारे में भी हम वीडियोस आपके लिए बना के दे सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करेगा, साथ ही दोस्तों के संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, तभी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।